नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। पूरे विश्व में आज 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने का कारण ये है कि सभी लोगों को समान अवसर और सुविधाएं मिले, उन्हें समाज से वो मिल सके जिसके वो हकदार है। बता दें कि 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने ये ऐलान किया था कि हर साल 20 फरवरी के दिन को सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। इस वर्ष विश्व सामाजिक न्याय की थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। सामाजिक न्याय के लिए लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी आवश्यक है। सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लोगों को लिंग, आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने को मंजूरी दी थी। पहली बार 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ की घोषणा को अपनाया था। ये 1919 के आईएलओ के संविधान के बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों का तीसरा प्रमुख बयान है। दुनिया में लोगों के बीच कई तरह के भेदभाव पैदा हो रहे हैं, जो कि लोगों के बीच एक दूरी का कारण बन गया है। इन भेदभाव के कारण कई लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दुनिया में इस तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के मकसद के लिए बनाया गया है। इस दिवस के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जाता है। ये दिवस मुख्य तौर से नस्ल, वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति, भेदभाव, बेरोजगारी से जुड़ी हुई कई समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगले सत्र की मेजबानी मिली है। साल 2023 में मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग का आयोजन होगा। भारत ने बीजिंग में 139वें आईओसी सत्र के दौरान 75 वोट के साथ ये अधिकार अपने नाम किया है। ये दूसरी बार होगा जब भारत नई दिल्ली 1983 में आईओसी सत्र की मेजबानी करने के बाद इसकी मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने शनिवार को भारत को अगले साल मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस समिति की भारतीय प्रतिनिधि नीता अंबानी ने इसे देश की ओलंपिक आकांक्षा में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में वर्णित किया है। भारत 1983 के बाद पहली बार आईओसी सत्र की मेजबानी करेगा। इस सत्र की मेजबानी अत्याधुनिक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में की जाएगी। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से मुंबई को 99% वोट मिले, जिसमें 75 सदस्यों ने 2023 में आईओसी सत्र की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र आईओसी के सदस्यों की वार्षिक बैठक है, जिसमें 101 मतदान सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल है। भारत से आईओसी सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला नीता अंबानी ने कहा, ओलंपिक मूवमेंट 40 साल के इंतजार के बाद भारत वापस आ गया है। मैं 2023 में मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी करने का सम्मान भारत को सौंपने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वास्तव में आभारी हूँ। ये भारत की ओलंपिक आकांक्षा में महत्वपूर्ण विकास होगा और भारतीय खेलों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। नीता अंबानी के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अटलांटिक महासागर में उठे जबरदस्त तूफान यूनिस ने इंग्लैंड व आयरलैंड सहित यूरोप के कई देशों पर कहर ढा दिया है।
196 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। ब्रिटेन में शक्तिशाली तूफान न्यूनिस का खतरा मंडराया हुआ है। इसके कारण पूरे पश्चिमी यूरोप में 9 लोगों की मौत हो गई और इसका असर उड़ानों ट्रेनों पर भी पड़ा है। न्यूनिस तूफान के कारण नीदरलैंड में भी ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लंदन में न्यूनिस को लेकर मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लाखों ब्रिटिश लोगों को अपने घरों में और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। दक्षिणी इंग्लैंड, साउथ वेल्स और नीदरलैंड में भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां हवा की रफ्तार 100 मील प्रति घंटा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय अपनाने को कहा है। कहा जा रहा है कि न्यूनिस 32 सालों में सबसे खतरनाक तूफान हो सकता है। न्यूनिस सीजन का 5वां नामित तूफान है, जो पिछले साल नवंबर में अरवेन से शुरू हुआ था। तूफान का नामकरण यूके मेट ऑफिस द्वारा किया गया है, जिसने 2015 में सिस्टम शुरू किया था। बाद में आयरलैंड और नीदरलैंड में पूर्वानुमानकर्ता शामिल हुए। तूफानों का नाम लोगों को गंभीर मौसम के संभावित प्रभावों से अवगत कराने के लिए रखा जाता है। बीबीसी के अनुसार मौसम कार्यालय मेट ऑफिस से जनता को नाम सुझाने के लिए कहता है और हर साल एक नई सूची प्रकाशित की जाती है, जो अगले साल सितंबर से अगस्त के अंत तक चलती है। इस वर्ष के लिए तूफान के नामों की पूरी सूची है: अरवेन, बर्रा, कोड़ी, डूडले, यूनिस, फ्रैंकलिन, ग्लेडिस, हरमन, इमानी, जैक, कीन, लोगान, मैब, नसीम, ओल्वेन, पोल, रूबी, सीन, टीनेके, वर्जिल और विलेमियन। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 20 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1547 में एडवर्ड षष्ठम का इंग्लैंड के शासक के पद पर वेस्टमिंस्टर एबे में राज्याभिषेक हुआ था। 1707 में औरंगजेब का अहमदनगर में निधन हुआ था। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला था। 1847 में रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना हुई थी। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का बांग्ला में साप्ताहिक रूप में प्रकाशन शुरू हुआ था। 1872 में न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स खुला था। 1873 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सैन फ्रांसिस्को में अपने पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी। 1935 में कैरोलाइन मिकेलसन अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजादी देने के बारे में घोषणा की थी। 1962 में जॉन एच ग्लेन अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। 1965 में नासा द्वारा प्रक्षेपित रेंजर 8 चांद पर उतरा था। फोटो और जरूरी डेटा भी भेजे थे। 1968 में मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर पीके सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया था। 1975 में मार्गरेट थैचर ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की नेता निर्वाचित हुई थी। 1987 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया था। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्रमशः 23वां एवं 24वां राज्य के रूप में उद्घाटन हुआ था। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की थी। 1999 में दूरदर्शन पर खेल चैनल शुरू हुआ था। 2001 में भाजपा के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्त का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असमादित्य। नमस्कार।